नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं पूर्व कृदंत प्रकरण। और इस प्रकरण में विद्यार्थियों, मैंने ये देखा है कि आप बार बार परेशान हो रहे हैं कि समास प्रकरण करा दीजिए, समास प्रकरण करा दीजिए। तो समास प्रकरण तो मैं कराऊंगा, इसके बाद कराऊंगा, किंतु इस वर्ष जो आपको करना है, आपका पेपर आएगा 100 नंबर का। और उस 100 नंबर में पेपर वैसे ही आएगा जैसे पहले आता है। मैंने टेलीग्राम पर उसको दे रखा है पेपर को, और जब आप पेपर को देखेंगे तो वह जो पेपर है उसमें जिस तरीके से आया है वैसे ही पेपर आपको आना है। अब आपको यह देख लेना है कि हमारे 50% यानी 50 नंबर कहाँ तक हो रहे हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपके पूरे हो जाने चाहिए। क्योंकि राजनीति विज्ञान इतिहास ये ऐसे पेपर हैं जिनमें क्या चलता है, सेक्शन चलता है, सेक्शन के हिसाब से। तो वहाँ तो ये कार्य हो जाता है कि किसी भी सेक्शन से हम कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। किंतु ये जो साहित्य है, साहित्य में पेपर इस तरीके से नहीं आता है जैसे आप सोच रहे हैं। साहित्य में पेपर कैसे आता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूँ क्योंकि आप संशय में हैं, कि एक तो आप कारक सूत्रों की व्याख्या पढ़ लीजिए, जैसे साधक तमम करणम कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र ऐसे हैं जो आपने जब से संस्कृत पढ़ी है तब से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, और इन सूत्रों का जो अर्थ होता है उसको लिख देंगे हम। और लिखने के बाद जैसे मान लीजिए येन अंग विकार सूत्र है, और इसका अर्थ क्या होता है, जिस अंग के विकार से अंगी का विकार द्योते तो होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, इतना अर्थ लिखना है। फिर लिखेंगे आप जैसे नेत्रेण काण, नेत्र से काना है, इस उदाहरण में नेत्र में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है, बस इतना लिखना है। 6 सूत्र आएंगे जिसमें से आपको क्या है, 3 सूत्रों की व्याख्या करनी है विद्यार्थियों, 15 नंबर का है, 15 नंबर सीधे हो जाएंगे। इसके बाद जो मैंने कृत्य प्रकरण पढ़ाया और जो ये पूर्व कृदंत प्रकरण चल रहा है, ये ऐसा है जो 20 नंबर का है। इसमें भी आपके लिए 10 शब्द देगा सिद्धि के लिए, कितने शब्द देगा, 10, और 10 में से आपको 5 करने हैं। और मैंने जो इन वीडियो में आपको कराया है उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा विद्यार्थियों जो बाहर चला जाए, तो 20 नंबर ये हो जाएंगे। 15 नंबर आपके उसके हो गए कारक के, कारक सूत्रों के। और देखिए ये जो टेलीग्राम है मेरा संस्कृत भाई अनिल चौधरी के नाम से है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है। जब आप देखेंगे तो आप कहते हैं कि टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, तो आपको लिंक मिल जाती है, लिंक पर क्लिक करेंगे पूरा वो खुल जाता है वे जो टेलीग्राम है। इसके बाद देखिए उस पर एक महाभाष्य के 4 प्रश्न पड़े हुए हैं, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न मिल जाएगा आपको, और एक प्रश्न मिल जाएगा 15 नंबर का है पूरा प्रश्न वो। फिर उसके बाद जब आप करेंगे तो देखिए 20 नंबर का एक निबंध है, और उस निबंध में आप एक वेद पर निबंध तैयार कर लीजिए, तो आपका कार्य हो जाएगा, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब रही समास की बात, कि जब ये पूर्व कृदंत हो जाएगा उसके बाद हम समास पढ़ लेंगे। अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि भाई समास करना ज़रूरी है तो आप समास तैयार कर लेना। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं तप्रत्यय, कौन सा, जिसकी संज्ञा क्या होती है, निष्ठा, तवतु निष्ठा। अब देखिए इसमें एक सूत्र है, यहाँ लिख लेंगे हम पूर्व कृदंत, और ये जो पूर्व कृदंत है विद्यार्थियों, ये पूर्व कृदंत क्या कहता है, देखो इसमें एक सूत्र है छायो महा, ये है सूत्र, कौन सा सूत्र है, छायो महा। अब ये जो छायो महा सूत्र है क्या कहता है विद्यार्थियों, छायो महा सूत्र, कि छई धातु से, छई धातु से
परे निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। सॉरी, निष्ठा के तकार को मकार मकार हो जाता है। विद्यार्थी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए, जब आप आगे चलेंगे आप लिखेंगे सबसे पहले छई प्लस ता, सूत्र लग जाएगा आपका निष्ठा सूत्र से त आगम। इसके बाद इसको लोप कर देंगे, ये हो जाएगा आपका त रह जाएगा और सूत्र लग जाएगा लसक व तद्धिते, सूत्र से त के ककार की इत संज्ञा व तस्य लोपः से लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप क्या करेंगे, इस छई को छा कर लेंगे, छा प्लस त और सूत्र लगा देंगे आदेश उपदेशे अस्ति, सूत्र से ऐ को आ करने पर, ये है। और फिर उसके बाद जब आप बढ़ेंगे तो इसको माँ कर लेंगे और आप लिख देंगे छा प्लस माँ, सूत्र लग जाएगा आपका छायो मह सूत्र से तकार को मकार। और फिर देखिए इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा छाम, आप लिख देंगे संयोग करने पर, और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे ये बन जाएगा आपका छाम। ये प्रक्रिया पूरी करनी है विद्यार्थी आपको, यहाँ लिखना है आपको संयोग करने पर और यहाँ लिख देना विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, एक सूत्र है द धातेर ही, द धातेर ही, ये सूत्र है द धातेर ही है। इसका अर्थ है ता आदि, इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों जिसके प्रारंभ में ता हो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ता आदि। कित 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 आप जानते हैं
कित का मतलब होता है जिसमें से का की इत संज्ञा होती है, यानी का का लोप होता है, जैसे त प्रत्यय में है। कित परे रहते, कित परे रहते धा धातु को ही आदेश हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, सूत्र है ये, आपको सिद्धि करनी है हितम। कौन सी सिद्धि है? हितम की। आप लिखेंगे धा प्लस त, और आप लिख देंगे निष्ठा सूत्र से त प्रत्यागम, फिर आप लिखेंगे धा प्लस त, और आप लिख देंगे रसक को तद्यते सूत्र से कत के ककार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। अब उसके बाद इस धा को विद्यार्थियों आप क्या कर लेंगे, ही, और सूत्र लग जाएगा आपका द धातेर ही, द धातेर ही। सूत्र से धा को ही करने पर, और जब आप इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा विद्यार्थियों हितम, सॉरी हित बन जाएगा। और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे, यहाँ लिख देंगे आप संयोग करने पर, और यहाँ लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध, हितम की सिद्धि आपकी पूरी हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र लिख रहा हूँ मैं, सूत्र है दो दद घोह। सूत्र क्या है? दो दद घोह, ये सूत्र है विद्यार्थियों, और इसका अर्थ है घू संज्ञक दा को दद आदेश होता है। क्या अर्थ है इसका? तादि कित परे, तादि कित परे रहते, त आदि कित परे रहते घू संज्ञक दा धातु को, घू संज्ञक दा धातु को दद आदेश होता है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या आदेश हो जाता है? दद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आपको सिद्धि करनी है, कौन सी सिद्धि करनी है आपको? आपको सिद्धि करनी है विद्यार्थियों दत्ता। तो देखिए, आप क्या करेंगे, दा धातु लाएंगे, दा धातु से ता ले आएंगे, फिर इस का लोप कर लेंगे।
अब देखिए एक सूत्र है दा धा घ्वा दाप, कौन सा है सूत्र है विद्यार्थियों? दा धा घ्वा दाप, दा धा घ्वा दाप, ये सूत्र है विद्यार्थियों से। दा को घू संज्ञा, फिर इसको विद्यार्थियों आप क्या है दा आदेश कर देंगे, सूत्र लग जाएगा कौन सा द धातेर, सॉरी दो दद घोह, दो दद घोह, ये ही सूत्र है विद्यार्थियों। अगर मैंने गलत लिख दिया हो तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी का अर्थ है के दा को दद आदेश होता है। अगर मैंने उसमें गलत लिख दिया है तो आप इसको सही कर लेंगे, दो दद घोह, ये जो सूत्र है यही है। तो दो दद घोह जो सूत्र है से दा धातु को दद आदेश और उसके बाद जी दद हो जाएगा, फिर इसको खरिच से ता कर लेंगे, सूत्र लग जाएगा खरिच से दकार को तकार करने पर। फिर देखिए ये है आप जिसको जोड़ देंगे ये बन जाएगा दत्त, आप लिख देंगे संयोग करने पर, और फिर आप विभक्ति कार्य कर देंगे ये बन जाएगा आपका दत्त। ठीक है विद्यार्थियों, अंधेरा हो गया, थोड़ी सी लाइट चली गई है यहाँ, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया है आप पेपर देख लें, टेलीग्राम के लिंक आपको इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उस लिंक से खोल के उसमें देख सकते हैं, आपको पेपर भी मिल जाएगा और जो महावास्य के प्रश्न हैं वह भी मिल जाएंगे और आपको कृत्य और पूर्व कृदंत दोनों मिल जाएंगे और वेद पर निबंध भी मिल जाएगा। और वेद पर निबंध अगर फिर भी आपके पास समय बचता है तो आप एक धर्मशास्त्र पर और निबंध कर लेना, एक धर्म पर और एक वेद पर, नहीं तो वेद पे कर लेंगे तो काम चल जाएगा और 20 नंबर का पक्का हो जाएगा। एक ही निबंध याद कर लो, उसी को लिखना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।